राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े ने जोधपुर में राजकीय जनजाति आश्रम कन्या छात्रावास की बालिकाओं से किया संवाद। राज्यपाल ने छात्रावास में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कृष्ण जन्माष्टमी पर जयपुर के गोविंददेव जी मंदिर में किए दर्शन। प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर जी मंदिर में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। मंदिर परंपरा के अनुसार दिन में 12 बजे भगवान का कराया गया जन्म। टोंक जिले में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में भजन और सत्संग सहित कई धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने बांसवाड़ा में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर की विशेष पूजा अर्चना। देश भर में सुख शांति की कामना। उदयपुर के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में चल रहे 2 दिवसीय मल्हार उत्सव का हुआ समापन। अंतिम दिन चेतन जोशी ने बांसुरी वादन और पद्मश्री रंजना गोहर ने नृत्य धारा की दी प्रस्तुति। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के वनवासी कल्याण परिषद में हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम किया गया आयोजित। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने श्री गंगानगर में लघु उद्योग भारती के अभ्यास वर्ग उद्यमी सम्मेलन में लिया हिस्सा। सम्मेलन में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के उद्यमियों के साथ ही भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी हुए शामिल। जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, युवा कांग्रेस राजस्थान में भारी बारिश से प्रभावित हुए मकानों के सुधार के लिए करेगी मदद। डीजीपी यूआर साहू ने जोधपुर में पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित बैरक और कैंटीन का किया उद्घाटन। कहा, नए बैरक में 50 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों के रहने की होगी सुविधा। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने उदयपुर में सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में लिया भाग। कहा, राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य सरकार के बीच करती है सेतु का काम। बूंदी जिले के रामनगर गांव में हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आने से 2 बच्चों सहित 3 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। धौलपुर जिले के कोटपुरा गांव में फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की हुई मौत। 4 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। बालोतरा के अराबा में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सरकारी स्कूल में पानी की निकासी का लिया जायजा। स्कूल के मैदान में पिछले कई दिनों से भरा हुआ था पानी। और जयपुर की सांगानेर थाना पुलिस 2 नकबजनों को किया गिरफ्तार। नए और पुराने मोबाइल सहित नए उपकरण किए बरामद।